दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कई बार अपने घर वालों से ये डायलॉग तो सुना ही होगा, उठ जा कुंभकर्ण और कितनी देर सोएगा। आमतौर पर जो लोग ज्यादा देर सोए रहते हैं उनको कुंभकर्ण बुलाया जाता है। इसके पीछे का कारण तो हर किसी को पता होगा कि कुंभकर्ण लंबे समय तक सोए रहते थे। इसीलिए जो लोग कहीं भी जगह देकर सो जाते हैं या फिर ज्यादा देर तक सोए रहते हैं उन्हें कुंभकर्ण बुलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोए रहते थे? है ना इंटरेस्टिंग सवाल। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो के जरिए इस दिलचस्प प्रश्न का उत्तर देने आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। आज हम आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार कुंभकर्ण क्यों लगातार 6 महीने तक गहरी निद्रा में रहते थे। क्या है कुंभकर्ण के 6 माह तक सोने का रहस्य? लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपने हमारा Facebook पेज यानी कि कुंडली टीवी को लाइक नहीं किया तो अभी कर लें। कुंभकर्ण, जिसे ग्रंथों में रामायण काल का प्रमुख पात्र बताया गया है, यह रावण के छोटे भाई और ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी और पिता ब्राह्मण कुल के थे। कुंभकर्ण में माता पिता के दोनों गुण विद्यमान थे। कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार खाने के बाद फिर 6 महीने तक सोते रहते थे। लेकिन उनको ब्रह्मा जी ने सचेत किया था कि यदि कोई उन्हें 6 महीने से पहले उठाने में सफल हो गया, वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई नहीं उठा पाता। कई लोग आज भी ये जानना चाहेंगे कि वह इतने महीने तक सोए क्यों रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को निद्रासन यानी कि 6 महीने सोने का वरदान दिया था। ब्रह्मा द्वारा किए गए इस वरदान के पीछे 2 वजह बताई जाती हैं, जिसमें रामायण में दिए गए एक किस्से के मुताबिक इंद्र कुंभकर्ण से ईर्ष्या करते थे। उन्हें डर था कि कहीं कुंभकर्ण ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे कोई ऐसा वरदान ना मांग ले जो उनके बाकी देवताओं के लिए परेशानी खड़ी कर दे। दूसरी वजह में कुंभकर्ण का बहुत ज्यादा भोजन करना बताया जाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को लगता था कि अगर कुंभकर्ण इसी तरह भरपेट भोजन करता रहा तो बहुत जल्द भोजन और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो उसकी जीवा पर बैठ जाइए। माता सरस्वती ने उनकी बात मान ली और जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगे तो उसकी जीवा पर वह विराजमान हो गई। वरदान मांगने से पहले कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। तो दोस्तों, ये था कुंभकर्ण के 6 महीने तक का सोने का राज। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।